यकीन एक हादसा था और ये रिश्ता मजबूरी में जुड़ा था, इसलिए इस मजबूरी को खत्म करो, सब ठीक हो जाएगा। ये रिश्ता मजबूरी नहीं है मेरी, कभी थी बट अब नहीं है। क्या मतलब है? मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम ज़हीन को पसंद तो नहीं करने लगी? पसंद नहीं करती तो अब नापसंद भी नहीं करती। उसकी जो जो बातें मुझे नापसंद थी मैंने सबको कबूल कर ली। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसकी इतनी हमायत क्यों कर रही हो, उसे तलाक ना लेने के बहाने क्यों ढूंढ रही हो तुम? तुम ज़हीन से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? जवाब दो मुझे। यस, आई एम इन लव विद हिम। आई एम सीरियसली इन लव विद हिम। एहसन के वकील से मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ, बात हुई है। वो अभी मुल्क से बाहर है, बहुत जल्दी वापस आ जाएगा और आते ही हमारा काम कर देगा। गुड न्यूज। हंस भी लिया करो फोन पे कभी। शाज़, मैं इस काम में ज्यादा ताखीर नहीं होनी चाहिए। देखो एहसन की वो कंडीशन नहीं है कि वो ज्यादा सरवाइव कर सके, तो उसके मरने से पहले ये घर और कंपनी के आधे शेयर्स तुम्हें अपने नाम पर करवाने हैं। एक बार प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस घर और कंपनी से नहीं निकाल सकती। I know. ऐसा भी क्या जादू कर दिया उसने तुम पर कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही? ज़हीन ऐसा नहीं है बेला, वो एक सच्चा ईमानदार और मुखलिस इंसान है। उसे हमारे पैसे और स्टेटस में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दुनिया में अगर मुझसे कोई सच्ची और बेलौस मोहब्बत करता है ना, तो वो सिर्फ ज़हीन है। उसने मुझे मोहब्बत का असल मतलब समझाया। तुम्हें उसे अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा। तुमने जितना तमाशा अपना बनाना था बना चुकी। अब मैं तुम्हारी जिंदगी के फैसले करूंगी। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तुम ओके इसी दलदल में धंसे रहना चाह रही हो? बहुत पछताओगी अपने फैसले पर। किसकी गाड़ी है ये? तुम्हें इससे मतलब? मतलब तो साफ जाहिर है, एक टूटी फूटी बाइक से इतनी आलीशान गाड़ी, कहां से आए इतने पैसे तुम्हारे पास? अपने हक और मेहनत की कमाई से आई है ये गाड़ी, वरना कुछ लोग दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम तो एहसन साहब की तबीयत मालूम करने के लिए आए थे। अरे क्यों नहीं, अब आप लोग जैसे भी हैं तो सारा के ससुराल वाले ही ना, इस हैसियत से तो आप लोगों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। क्यों दामाद जी? छोड़े अम्मा, इस औरत के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, मालकिन हूं मैं इस घर की। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आए ना, तशरीफ लाएं। अब आप लोग इस घर में मुलाजिम की हैसियत से नहीं बल्कि एहसन के समधी होने की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। आपका बेटा तो न जाने कब से इस मौके के इंतजार में था, फाइनली इसका ख्वाब हकीकत बनकर पूरा हो गया। बस अब बहुत हो गया ज़हीन, अब कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। इसीलिए तो आया हूँ, मैं साथ ले जाना हमेशा के लिए अपना बना।
चलोगी ना मेरे साथ? हाँ मैं चाहूंगी तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ। बहुत खुश हूं मैं। उस छोटे से घर में खुश रह लोगी मेरे साथ? तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी खुश रह सकती हूँ। खुश रहने के लिए चीजों की नहीं मोहब्बत की जरूरत होती है। मुझे तुम्हारी जरूरत है ज़हीन। मैं आसाइशों के बिना तो रह सकती हूँ पर तुम्हारे बिना नहीं। सोच लो सारा, तुम शहजादी हो, मेरे साथ गुजारने वाली जिंदगी आसान नहीं होगी और ना ही मेरा घर तुम्हारे इस महल जितना बड़ा है। घर क्या होता है ये मैंने तुम्हारे उस छोटे से घर में जाकर जाना। इन पत्थरों की दीवारों से और इनसे सजे मकानात से घर नहीं बसते। घर बसते हैं उनमें रहने वालों से और उनके दरमियान मोहब्बत से। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सही, और मोहब्बत करने वाले हर हाल में एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। काश ये औरत हमारी जिंदगी में ना आती तो आज हमारा घर भी सुकून में होता। बाबा की ये गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर उस बीए पास लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो सारी कंपनी के इख्तियारात उसे देखकर खुद मुल्क से बाहर चले गए। वो मामूली सी रिसेप्शनिस्ट भला इतने बड़े कारोबार को संभाल सकती थी? मैं सिर्फ वकील साहब के आने का इंतजार कर रहा हूँ। अंकल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उनसे शाजमा को तलाक देने के बारे में कोई बात करूं। अगर आप कहें तो मैं बाबा से बात करूं। वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ बोल नहीं सकते। और मुझे यकीन है कि बाबा हमारी बात मान लेंगे। कुछ दे दिला के इस औरत को फारिग करते हैं। नहीं बेला, इस टाइम डॉक्टर ने बाबा को किसी भी किस्म की टेंशन लेने से मना किया है। We can't do this right now. दामाद है लेकिन अकलौता नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि एहसन का एक और दामाद है जिनसे उनकी बेटी ने आके बगावत में कोर्ट मैरिज कर ली थी, यानी ज़हीन। और सारा ज़हीन के साथ रहना चाहती है लेकिन बिना पैसों के तो नहीं रहेगी ना। तुम अपनी बकवास बंद करो। बेला ये क्या कह रही है? झूठ बोल रही है मॉम, सारा ज़हीन के साथ नहीं जाएगी। क्यों? तुम लोग देख लेना, वो बहुत जल्द एहसन हाउस में घर दामाद की हैसियत से आ जाएगा। फिर आपका और आपके बेटे का पत्ता हमेशा के लिए साफ। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरी बहन के बारे में इस तरह से बात करो? क्यों, ऐसा क्या गलत कहा मैंने? तुम्हारी बदनामे जमाना बहन को पूरा शहर जानता है। और वैसे आंटी आप तो इस लड़की के काले करतूतों से वाकिफ होंगी ना। आपको इसे पता होगा कि एहसन इसे कानूनी तौर पर आफ करती है। अब मैंने इस बात का इश्यू नहीं बनाया वरना मैं इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालती। और एहसन की बीवी होने की हैसियत से भला मुझे कौन रोक सकता है? मैंने तो बस इस बिचारी पर तरस खाया है। अब मैं आपको और आपके बेटे को वार्न कर रही हूं कि मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश मत करें। मुझसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं, बहुत पछताएंगी आप। और आइंदा अगर मुझे किसी ने इस घर से और कंपनी से निकालने की बात की तो उसका अंजाम उसे खुद भुगतना होगा। क्या करोगी तुम?
अदालत में घसीटूंगी तुम सबको। और तुम्हें तुम्हें तो मैं एहसन की प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने। इधर इधर मुंह करो, इधर मुंह खोलो, मुंह खोलो। हजम करो, हजम करो। जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं? बोलो, जिंदा रहने ना, जिंदा रहने कि नहीं? फिर वही सब कुछ करो जो ये कहता है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अभी तो मुझे तुमसे और तुम्हारी बेटियों से बहुत हिसाब चुकाना है। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगी, इतनी तकलीफ दूंगी कि भीख में तुम मुझसे मौत मांगोगे।